हेलो जी नमस्कार। हमारी चैनल डीपीज़ किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए चाट, आलू टिक्की चाट। उसके लिए हमने चार मीडियम साइज आलू को उबाल के छील के मैश करके लिया है। आधा कप हमने प्रीमिक्स पाउडर लिया है जिसे हमने बनाया है। एक कप सामक के चावल और आधा कप साबुदाना को मिक्स करके पाउडर बनाया है उसमें से लिया है, और तीन बड़े चम्मच मूंगफली का दरदरा पाउडर लिया है। उसके मसाले में लिया है एक छोटी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, एक छोटी चम्मच सेंधा नमक जो उपवास का रहता है, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, एक छोटी चम्मच शक्कर, पाव छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच भुना जीरा का पाउडर। एक मिक्सिंग बाउल में हम सभी चीज़ें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। आलू डालेंगे, प्रीमिक्स पाउडर डालेंगे, मूंगफली का पाउडर डालेंगे, नींबू डालेंगे, शक्कर, काली मिरी और जीरा का पाउडर, अदरक मिर्ची की पेस्ट, नमक, और धनिया पत्ती। इसका एक डो बना लेंगे हम मिक्स करके। सभी को अच्छे से मिला लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, आलू में मॉइस्चर रहता ही है। हमारा डो रेडी है, अब हम इससे हमारी टिक्कियां बना लेंगे। हाथ में थोड़ा घी लगा लेंगे दोनों हाथों में, और एक पोर्शन निकालेंगे इसमें से, और जैसे हम टिक्की बनाते हैं वैसे बना लेंगे, अच्छे से दबा के गोल बना के। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, अच्छा शेप दे देना है टिक्कियों जैसा। ऐसा ही हम सब टिक्की बना लेंगे। हमारी व्रत के आलू चाट की टिक्कियां रेडी है। अब हम इसे प्योर घी या तो मूंगफली के तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बहुत ही कुरकुरी होती है, बहुत ही अच्छी बनती है। हमने तवे में प्योर घी गर्म कर लिया है, दो बड़े चम्मच डाले हैं। अब हम हमारी टिक्कियां उसमें शैलो फ्राई करने के लिए रख देंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है गैस की, ताकि वो अंदर से भी पक जाए, क्योंकि हमारा प्रीमिक्स पाउडर कच्चा है तो उसे भी पकाना है। गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है दोनों बाजू से। एक बाजू से पहले 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि वो अच्छे से अंदर तक सिक जाए। चेक कर लेंगे, थोड़ा कलर आ गया है, इसको पलट लेंगे। बहुत बढ़िया दिख रही है, आप देख रहे हैं। हमने जो साबुदाना लिया है अंदर, उसका
भी इम्प्रेशन दिख रहा है, बहुत क्रंची बनेंगे हमारी आलू टिक्कियाँ। इस तरफ भी 3 मिनट तक पकाएंगे, बाद में फिर से पलट लेंगे, चेक कर लेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया कलर आ गया। बहुत ही करारी बनी है हमारी आलू चाट की टिक्कियां। देखिए आप, आवाज सुनिए, बढ़िया। अब हम गैस बंद कर देंगे और बाद में सर्व कर देंगे। हमने सभी टिक्कियां प्लेट में निकाल ली है, अब हम इसे सर्व कर देंगे। व्रत की चाट की आलू टिक्कियां हम इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। हमने मीठे दही के साथ में सर्व किया है, इसमें सिर्फ शक्कर डाली है और कुछ नहीं, और ग्रीन चटनी, इसके अंदर हमने ताज़ा नारियल भी डाला है। इसकी रेसिपी हम इंग्रेडिएंट्स के साथ में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्रत की टिक्की आलू टिक्की चाट बनाएंगे। सबसे पहले टिक्कियों के ऊपर हम दही डालेंगे, उसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे, उसके ऊपर मीठी चटनी डालेंगे। ये मीठी चटनी में हमने सिर्फ खजूर और गुड़ लिया है। बहुत टेस्टी बनती है। इसके अंदर हमने भुना जीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब उसको गार्निश करेंगे अनारदाने से। आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।